बड़वानी के केंद्रीय जेल के कैदी की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया है। बड़वानी जिला अस्पताल में शुक्रवार को हिरमन कोहली नामक युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई है। परिजनों के अनुसार उसका स्वास्थ्य खराब था और शराब पीने का आदी था। वह गोवंश तस्करी के आरोप में सजा काट रहा था। उसके भाई ने बताया कि पुलिस उसे अपने साथ सेंधवा ले गई थी, जिसके बाद उसे वापसी थाना कुक्षी लाया गया था, जहां से न्यायालय में पेश किया गया था और उसकी मौत की सूचना मिली। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। की मौत हुई है सर? आज जिला अस्पताल बड़वानी से सूचना आई थी कि केंद्रीय जेल में कैदी था हिरमन सनी उर्फ पिंटू पिता हिरमन कोहली, ये जो कुक्षी से ट्रांसफ़र होकर आया था, ये चार छः गोवंश परिवहन में इसको ट्रांसफ़र करके भेजा था उपचार हेतु। इसकी आज बड़वानी जिला अस्पताल में मृत्यु हो गई। सर मौत कैसे हुई, कोई कारण पता चला? प्राथमिक तौर पर पता लगा कि बीमार था और बीमारी के तौर पे उसको जिला मतलब केंद्रीय जेल से जिला अस्पताल ले गए, उस दौरान उसकी मृत्यु हो गई। सर कौन कौन से मामले दर्ज थे इसमें? इसके खिलाफ कुक्षी थाने में 4-6 अवैध रूप से गोवंश परिवहन करने का प्रकरण पंजीबद्ध है। आपका ईश्वर सोनी? ईश्वर क्या लेने आए हो बड़वानी? अपने छोटे भाई को लेने आया। क्या हो गया है? उसको जरा जेल में लेके गया था उसको। क्या घटना हुई है, किस मामले में जेल में ले गए थे? तो जैसे उनके कोई दोस्त हो गए थे उनके, तो उन्होंने इनका नाम इसका नाम डाला हुआ था। तो हाँ, पुराना केस था, मतलब 2015 का केस था ये। और सेंधवा फिर लेने के लिए आए घर पे, तो सेंधवा लेने के लिए आए जैसे, तो मैं भी वहीं पे था, घर पे था मैं। तो मैं उनके साथ में उनके पीछे पीछे उनके थाने गया मैं। ऐसा मैंने जैसे सर को बताया, सर मैंने इसकी कंडीशन थोड़ी ख़राब है, मैंने कहा तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है सर, मैंने कहा इसकी। तो मैंने कहा सर क्या करना है, तो बोले हमारा काम, बोले हम तो लेके जाएंगे, बोले। फिर उसको कुक्षी लेके आए, बोले कुक्षी, बोले आप सोमवार दिन कुक्षी आ जाओ, बोले बोले वहाँ पे थोड़ी सिफारिश करोगे तो बोले वहाँ छूट जाएंगे वो। तो कुक्षी आया लेने के लिए मैं उसको, मैं तो सोमवार के दिन जैसे आया मैं, एक घंटा तो मेरे को थाने बैठाया पहले उन्होंने। और थाने बैठने के बाद में दिलीप सर ने बोला मेरे क्योंकि गाड़ी के पीछे पे जाओ, बोले वहाँ पे जज के पास में, तो वहाँ पे बोले सिफारिश करो, बोले थोड़ी सी, बोले तो वहाँ सिफारिश करने बोले को छोड़ देंगे, बोले वहाँ से। तो मेरे को 5:30 बजे तक उन्होंने पीछे पीछे घुमाया मेरे को, बाकी वहाँ तक लेके नहीं गए मेरे को। और वहाँ से ले जाने के बाद में वापस थाने लेके गए मेरे को, और थाने ले जाने के बाद में उन्होंने बोला, बोले अभी तो बोले काम खत्म हो गया, बोले कल परसों देखेंगे, बोले अभी तो कहीं नहीं हो सकता, बोले इसका, बोले। और वहाँ से उन्होंने को रवाना कर दिया वहाँ से उन्होंने। किस मामले में अंदर ले गए थे इनको? ये कुछ गाड़ी का मामला था, तो वो बता रहे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिख दी, उन्होंने ढोरों का नहीं इसका, उसको बहुत सारी चीज़ लिख दी, बाकी खाली वो गाड़ी पे गया था केवल बस। वो गलत केस बनाया? हाँ गलत केस बनाया पूरा उसका। कब से अंदर है ये? ये अभी 4 दिन से अंदर है। क्या पहले से बीमार था ये? हाँ। क्या बीमारी थी इनको? मतलब बीमारी ज़्यादा कुछ नहीं थी, खाली वो पीता खाता था बस वो। तो मैंने सर को बताया, सर मैंने कहा अगर इसको आधे घंटे पौन घंटे में इसको थोड़ी सा दारू पीने को नहीं मिली, तो मैंने कहा ये कुछ भी हो सकता है साथ में। तो बोले सर हमारे साथ हम कर लेंगे, हमारे साथ जो क्या है लापरवाही है यहाँ प्रशासन, यहाँ पूरी लापरवाही करी उन्होंने। हाँ बाकी दिलीप सर के बारे में मैं अच्छा बोलूँगा कि उन्होंने साथ दिया, उन्होंने वहाँ तक। आपको सूचना कब करी पुलिस ने इनके देख के, क्या बताया आपको? उनको वही छोटा शांत हो गया, सात सुबह सूचना मिली हमारे को। जबकि मौत कब हो गई थी? मौत कल ही हो गई थी। कल कोई सूचना नहीं दी आप? नहीं। आज कितने बजे करी इन्होंने? आज मेरे पास कम से कम 10:30-11 बजे समथिंग आया था, 10:30 बजे के आसपास। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।